हेलो एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोग डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे थे एंड पार्टिकुलरली फर्स्ट पोर्शन जिसका हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन। जब डिफरेंशिएशन हम लोगों का खत्म हो जाएगा तो हम लोग उसके एप्लीकेशन पे मूव करेंगे। बेसिकली इसमें एप्लीकेशन में आएगा इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कहाँ पे किस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा उसको पता करना, स्लोप पता करना, अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो सारे एप्लीकेशन हम लोग डिफरेंशिएशन का देखेंगे। बट उससे पहले ये जरूरी है कि हम लोगों को बेसिक आता हो, मतलब अगर जब क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो किया जाएगा वो है कि आपको डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dy/dx पता करना होगा। तो सबसे पहले dy/dx क्लियर अगर कर लिए आप लोग तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए कि अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है या फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप तुरंत बता सकते हो। तो इस पे ज्यादा मेहनत कीजिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप मैनेज कर सकते हो और आपको शायद याद आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था कि आप साइंस हो या आर्ट्स हो वैसा बता देना, बट अभी तक किसी ने बताया नहीं है तो मैं एक अपना सेटअप के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, अपना लेवल सेटअप करके कि जिस अकॉर्डिंग मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप लोग पूछ सकते हैं या बता सकते हो कि थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए यहाँ या फिर वहां, ठीक है। जैसा आपको सही लगे आप मेरे को हेल्प कर सकते हो। तो चलिए, आज हम लोगों ने लास्ट दो वीडियो में क्या क्या अभी तक पढ़ा, हम लोगों ने बेसिक अभी तक फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कुछ रूल्स देखा था, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल देखा था कि अगर बहुत सारा टर्म एडिशन के रूप में y इक्वल टू एक्स प्लस टू प्लस 3x+2 रहे तो इसको अगर हम लोगों को बोला जाए कि dy/dx को पता करो तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है और अगर बहुत सारा टर्म, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ दो टर्म लिया है तो क्या किया जाए अगर बहुत सारा टर्म रहे, तो सिंपली मैंने क्या बोला था, आप सारे टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले इसको तोड़ लो। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू प्लस 3x+2, उसके बाद सारे इंडिविजुअली सारे टर्म का dx के रिस्पेक्ट में या जिसके रिस्पेक्ट में करने बोलेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ 3x प्लस dy/dx ऑफ 2। तो ये क्या हो जाना है, 1+0+3+0, जो बेसिक हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 3+1 4। बट आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि बीच में अगर प्लस या माइनस नहीं रहे, इनटू रहे, दैट इज प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लोग वर्ड में अगर बोला जाए तो प्रोडक्ट रूल देखने वाले हैं या मल्टीप्लीकेशन रूल देखने वाले हैं। जब दो या दो से अधिक टर्म मल्टीप्लीकेशन के रूप में एक फंक्शन में दिया रहे और उस फंक्शन को बोला जाए कि इसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करो, तो किस अकॉर्डिंग हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना चाहिए, आज हम लोग उसको सीखने वाले हैं। तो देखिए रूल क्या बोलता है मल्टीप्लीकेशन में, रूल बोलता है कि जितने भी टर्म दिए हैं आप उनको कॉन्स्टेंट लो और एक का हर बार करते चलो। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दो टर्म है तो अगर मेरे को dy/dx पता करना है तो एक बार पहले किसी टर्म को मेरे को कांस्टेंट यहाँ पे रखना है, जैसा है वैसा का वैसा ही रखना और दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है dy/dx ऑफ, यहाँ पे x प्लस टू है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस, अभी मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो इस टर्म को यहाँ पे वैसा का वैसा ही उतारेंगे और जो बच गया है उसका डिफरेंशिएशन करना है dx/x+2, ठीक है। मतलब वर्ड के फॉर्म में अगर बोले कि u इंटू वी के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया गया है तो क्या करना है, एक बार u को लिखना है उसके साथ dv को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट कर देना है, फिर उसी तरीके से v को लिखना, अगर हम लोगों ने यहाँ पे v को कर दिया है तो भी को लिखेंगे और इस बार यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। बस रूल यही बोलता है कि सपोज कीजिए कोई भी फंक्शन यू इंटू भी से बना हुआ है तो एक बार यू को लिखिए उसके साथ भी का डिफरेंशिएशन कीजिए, बीच में प्लस साइन रखिए, प्लस भी इंटू du/dx। वही यहां पे अगर एक टर्म और रहता जेड तो क्या करते,
कुछ नहीं, मतलब हमेशा याद रखना है, एक एक का करते चलना है, जिसका आप कर रहे हो उसके बाद जितना भी टर्म है उसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे रहता u इंटू वी इंटू जेड कुछ और रहता तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, तो u इंटू वी को कॉन्स्टेंट लेते, एक बार जेड का करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस जेड इंटू वी को कॉन्स्टेंट लेते यू का करते एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब दो को कांस्टेंट रखना है, एक एक का करते चलना है तीनों बार यहाँ पे। फिर एक बार हम लोग यहाँ पे यू को कर दिया हम लोगों ने, जेड को कर दिया, वी को करेंगे, और कांस्टेंट कौन रहेगा तो वी को छुड़ा के जो जो है यू और जेड उसको उसी तरीके से इनटू में उतार देना। तो जस्ट यही रूल है, रूल कुछ नहीं है, बस आपको समझना है और उस पर मेहनत करनी है, आपको याद हो जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन y जनरली दो का ही देता है तो आप दो का ही समझना, तीन का नहीं। y अगर कोई फंक्शन है जो कि बना हुआ है u इंटू वी के फॉर्म से, कोई भी दो फंक्शन कोई भी दो एलिमेंट है वो u इंटू वी के से मिलके बना हुआ है y, तो उसका dy बाई dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक बार u को लिखेंगे v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v इंटू du बाई dx। चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे u क्या हो गया x प्लस टू, तो यहाँ पे x प्लस टू को उतार देंगे v का डिफ्रेंसिएशन, और हर स्टेप लिखिए क्योंकि आपको इजी होगा एंड जो टीचर चेक कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इजी होगा, तभी वो आपको नंबर देंगे, वरना नंबर नहीं। हमेशा सोचना है क्योंकि ये आर्ट्स है, साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो टीचर हर एक स्टेप के अकॉर्डिंग आपका नंबर देते हैं, वो भी देखना चाहते हैं सारे स्टेप को, उसके बाद ही आपको नंबर देते हैं। अगर आप बीच में कहीं करोगे तो टीचर को भी सोचना पड़ेगा, जहां सोचना पड़ेगा वहां पे वो अपना कुछ भी देके चले जाएंगे, तो उनको नंबर मार्क्स काटने का रीजन नहीं देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन किया, अब इसका करेंगे, इसको उसी के तरीके से उतार देना है, थ्री एक्स प्लस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू। चलिए अब सिंपली देखते हैं क्या होगा, एक्स प्लस टू इंटू इसको लिख सकते हैं d by dx of इंडिविजुअल सारे टर्म को करेंगे एडिशन रूल, d by dx of 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू, फिर उसी तरीके से तोड़ना है d by dx of x प्लस d by dx of 2, ये क्या हो जाना है x प्लस 2 इंटू थ्री एक्स का थ्री ऑनली टू का जीरो प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स का करेंगे तो वन और टू का जीरो, तो इसको फाइनल हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू एक्स प्लस टू प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू वन, तो वो तो वन ही हो जाना, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो एक तरीका तो ये है, यू इंटू बी के फॉर्म में हम लोग जैसे करना है वैसे करते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ब्रेक होगा, तो ये दो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये तो चार नंबर आएगा, फिर आप सिंप्लीफाई करके सारे टर्म का इंडिविजुअली कर दो। लेकिन उससे बेटर ये है कि इसको समझना है, अगर दो टर्म है या तीन टर्म है या जितने भी टर्म है, हर बार एक एक टर्म का डिफ्रेंसिएशन करते चलना है, बीच में प्लस का साइन, और जिसका कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन उसके छुरा के जितना भी टर्म है उसको हम लोग डायरेक्ट इनटू के फॉर्म में जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे यू को अगर कर रहे हैं तो वी को सिर्फ लिख देना वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू को कर रहे हैं प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक समझ में नहीं आया होगा तो ये, अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा तो ये 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन है बढ़ना, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स होप सो कि आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कुछ हार्ड नहीं लग रहा होगा, अगर लग रहा है तो दिक्कत है, कुछ और किया जाएगा फिर। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और मेरे को क्वेश्चन क्या दिया है, dy बाई dx पता कीजिए या फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन y का निकालिए। तो हमने अभी क्या बोला कि आप एक को u सपोज कर लो, बीच में कुछ साइन नहीं है, ब्रैकेट के बाद इंटू हो जाएगा, तो इसको u इंटू v के फॉर्म में, u क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, v क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन। अभी अपने दिमाग में अपने से और बोल बोल के हमेशा कीजिए, क्योंकि बोलने से आपको
आदत होगी क्या करना है कैसे करना है। क्या बोला मैंने, फर्स्ट बार u को लिखिए x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d बाई डी वी ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी हम लोगों ने v का किया है तो u का करेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, ये इंटू है बीच में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको इसी के तरीके से उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इंटू, इसको इंडिविजुअली सारे टर्म को करेंगे एडिशन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, राइट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट इसी तरह फॉर्म में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ वन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसी तरीके से उतार देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो टू एक्स का पावर वन घट जाएगा तो टू एक्स, एक्स का पावर वन है तो वन बाहर आया, वन इंटू एक्स का पावर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो एक्स का पावर का एक्स का पावर जीरो का वैल्यू वन, तो वन हो गया। एक्स का क्या हो जाना है जीरो, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेसिक हमेशा क्लियर रखना है तभी आपका तुरंत इजी होगा, वरना मेरे को भी डिफिकल्टी होगा बताने में। इसका क्या हो जाएगा, तो टू एक्स माइनस वन माइनस जीरो, इसको हम लोग फिर सिंपल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, या फिर आप मल्टीप्लाई करके और इसको सिंपल कर सकते हो, या फिर यहीं पे आप छोड़ दो, तो ये dy by dx हमारा फाइनल निकला, ठीक है। तो समझना क्या है, एक बार इसको लिखें तो दूसरे को करना है, प्लस दूसरे को लिखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो फाइनल मेरा dy by dx का निकलेगा, ठीक है। चलिए, आप लोग एक मेहता मदनानी बुक आता है और आरजेडी एलएन आता है एंड एक है सिलेस्टर एंड हैमंड, जिनको जेएनयू या फिर मास्टर्स के लिए करना है, तो उसका कुछ कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट और मजेदार होगा, जिस जो इससे रिलेटेड होगा, बहुत उसमें आपको नहीं घुसाएंगे, बट सिलेबस के लिए आप उस बुक को ले लो मेहता मदनानी, उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नॉर्थ साइड का मीन्स फॉर एग्जाम्पल बिहार सॉरी ईस्ट साइड या जो साइड है बिहार झारखंड इन सभी यूपी बोर्ड में शायद आपका उसे पैटर्न पे एग्जामिनेशन में आता है, तो आप उस बुक को ले लीजिए, आपको इजी होगा और उससे बनाइए, हम आपको गाइड करते चलेंगे कब कौन सा एक्सरसाइज बनाना है, आप बनाते चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है y इक्वल टू वन बाय एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री का पावर थ्री बाई टू, आराम से समझना है। चलिए आप बोलोगे यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे इंटू है, ये एक अलग है और ये एक अलग है, इसको हम लोग मान लेंगे u, या फिर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन बाय एक्स है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर माइनस वन इंटू टू एक्स का टू एक्स प्लस थ्री का होल का पावर थ्री बाई टू। अब हम लोग सपोज करते हैं कि ये u है ये हमारा v है, तो dy by dx कैसे हम लोग करते थे, तो dy by dx is equal to u को उतारते थे तो x का पावर माइनस वन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ v, तो ये क्या हो जाता था 2x प्लस थ्री का पावर थ्री बाय टू प्लस 2x प्लस थ्री का पावर थ्री बाय टू इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस वन। यहाँ पे थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया बिकॉज ये आपको मैंने अभी तक नहीं बताया चेन रूल किससे बनेगा, बट कोई नहीं, अभी समझते हैं थोड़ा, फिर हम लोग चेन रूल बाद में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा लिंक समझने का कोशिश कीजिएगा तो चेन रूल आराम से समझ में आएगा, थोड़ा सा समझते चलना है, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने छांटने का कोशिश किया बट उतना नहीं कर पाया, कुछ चेन रूल्स के लगे तो देख लेते हैं हम लोग।
तो इसका क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस वन इंटू में, तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे तो जस्ट का वैसे ही उतर जाना है इसका। इसका क्या होता है, इसको देखिए, यहाँ पे पहले जो है ना हम लोग पावर का करेंगे, हम लोग जो पढ़ते हैं ये d by dx is equal to 1, तो डिफरेंशिएशन किसके बेस में कर रहे हैं, x के बेस में कर रहे हैं, मतलब जो आते जाता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो है 2x के लिए हमको 2x के पास पहुंचना होगा, 2x को पहले 3 घेर के रखा है, 3 के बाद पावर घेर के रखा है, तो सबसे पहले पावर को हटाना होगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन पावर को हटाएंगे तो इसका रिलेटिव कौन है, देखिए चैन क्या बोलता है कि आप पावर को हटाओ, तो जो इसको जो इसका बेस क्या होना वो समझना है कि बेस क्या लीजिएगा आप। तो पावर को हटाने के लिए 2x प्लस 3 का पावर इतना है, तो 2x प्लस 3 बेस हो जाएगा, मतलब चैन रूल क्या बोलता है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो सबसे पहले आप पावर को हटाओ, x को पहुंचने x तक पहुंचने के लिए आप 2x प्लस 3 का होल 3/2 है, तो इस पावर को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, तो जो जिसका पावर है उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। अभी क्या बोलता है कि चलो आपने पावर को तो भगा दिया, अब आप 2x प्लस 3 के पास पहुंचे हो, तो 2x प्लस 3 का करो, तो 2x प्लस 3 का करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, तो d x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज यहाँ पे कोई अदर पावर या फिर माइनस या फिर 2x स्क्वायर, अगर यहाँ पे रहता 2x स्क्वायर प्लस 3 तो वैसे करते उसके अकॉर्डिंग, तो अब कुछ है नहीं, बस 2x है, यहाँ पे x का पावर और कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में करेंगे। और हमेशा चेन रूल में ध्यान रखिएगा कि कैसे सही कर रहे हैं या नहीं, कैसे जज करना है, तो ये कैंसिल हो जाता है, बचता क्या d by dx, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा ये ध्यान देना है कि जितना भी चेन आ रहा है वो चेन फाइनल आपको यहीं पे पहुंचाना है। प्लस इसको और डिटेल में समझेंगे अच्छे से जब हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा, शायद समझ पाए हो या ना। x का पावर माइनस वन क्या होता है, माइनस वन इंटू x का पावर माइनस वन माइनस वन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर माइनस वन, ये देखिए एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है अपने आप को, तो x का पावर n, ये इसके लिए x हो जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 3 यहाँ पे x हो गया, तो इसको x मानना है, तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x n इंटू 2x प्लस 3, यहाँ पे x यही है, तो n माइनस वन 3/2 माइनस वन, इसको x ट्रीट करना बिकॉज बेस वही है, तो फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब हम वहां पे बेस हम लोग वही ले, यहाँ पे अगर बेस x ले लेते तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, ठीक है। इनटू इसका करेंगे इंडिविजुअली तो क्या हो जाएगा, d by dx ऑफ 2x प्लस d by dx ऑफ 3, इसका क्या हो जाना है 2x प्लस 3 का होल का पावर 3/2 माइनस 1 इंटू एक्स का पावर माइनस 2, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2, x को नीचे करना है तो नीचे कर दो, तो x पावर माइनस 1 नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, इंटू 2x प्लस 3 1/2 इंटू, इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x का 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, और कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं, तो ये क्या हो जाना है माइनस 2x प्लस 3 का होल 3/2 और नीचे x का पावर माइनस 2 है तो नीचे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाना है 3 × 2 = 6 या फिर 2 को कैंसिल कर दो, तो 3/x इंटू 2x प्लस 3 का होल का पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 3 होल का पावर 3/2 बाय एक्स स्क्वायर। आई होप आपको थोड़ा सा चैन रूल आ गया, तो थोड़ा सा होशपोश हो सकता है, बट आप समझ पाए होंगे, कुछ तो समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे तो नेक्स्ट चैन रूल जब समझे तो शायद आपको सारा सा समझ में आ जाए, तो दिमाग पे अभी जोर उतना नहीं देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं जल्दी से। और हर एक स्टेप को आप घर में जब बनाओ तो बोल के बनाओ, अपने आप को क्लियर रखना, अपने आप को ठगना नहीं है,
कि हाँ ये बोला गया तो यही होगा, आप नहीं समझ पा रहे हो तो पूछो, एक जनरल जो आप ऑफलाइन में कर सकते हो यहाँ भी कोशिश करो, शर्माना नहीं है, वरना शर्माते रह जाइएगा, प्रॉब्लम तो होते रहेगा फिर एक बार अगर आप कंप्रोमाइज कर दिए। चलिए डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ये इसको यू मान लेंगे हम लोग, इसको वी मानेंगे, तो यू को उतारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, प्लस अभी बी का डिफ्रेंसिएशन किए तो अब बी को उतारेंगे पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, इसका इंडिविजुअली हो जाएगा, ब्रेक करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, राइट, सारे टर्म का बस डिफ्रेंसिएशन कर देना, इसमें और कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, पी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे तो बाहर ले लेंगे, फिर क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वन, ये स्टेप आप लोग खुद से करना, मैं स्किप कर रहा हूं तो आप एग्जाम में बिल्कुल मत कीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे क्या हो जाना पी एक्स प्लस क्यू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो टू और एक्स का पावर एक घट जाएगा वन हो जाएगा, प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा बी और एक्स का क्या हो जाएगा वन, ये क्या हो जाएगा पी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन, दिस इज द डिफ्रेंसिएशन या फिर दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई होप टाइम बहुत ज्यादा हो गया होगा शायद, मेरे को पता नहीं, पढ़ाने में पता नहीं चलता है, तो मेरा कोशिश यही रहता है कि जितना कम टाइम में बता पाऊं, मैथ है थोड़ा सा हो नहीं पाता, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा टाइम अगर ज्यादा हो तो प्रॉब्लम ना हो शायद आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू क्या है रूट एक्स टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे पहला रूल याद कीजिए, क्या मैंने बताया जब u इंटू बी इंटू जेड हो तो पहले बार क्या करेंगे, पहली बार डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं दो फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, एक बार सपोज कीजिए रूट एक्स को हम लोगों ने लिखा है फिर इसको लिखा है, तो उस इन दोनों को तो लिख लिया, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अभी क्या है इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया तो अब इसको लिखना है, फिर किसी एक को लिख लीजिए, इसको सपोज करते हैं लिख लेते हैं, तो अभी जो बचा उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अब कौन बच गया रूट एक्स, तो डी बाई बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस, अभी इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन हो गया, लास्ट में यही बच रहा है तो इसका तो हम लोगों ने कर लिया, अब ये बच रहा है और इन दोनों का हो गया तो इन दोनों को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स माइनस वन, ठीक है, बस यही पैटर्न है, बीच में प्लस है, देखिए दो दो को हम लोग लिखते गए और हर एक का करते गए, जब तीनों का डिफरेंशिएशन हो गया तो काम खत्म, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, रूट अंडर एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू, यहाँ पे इस बार मैं ज्यादा डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूं बट इंडिविजुअली सारे टर्म का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन और कॉन्स्टेंट का जीरो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन, इसका करेंगे वन बाय रूट अंडर एक्स का क्या होता है पावर एक्स का पावर वन बाय टू,
तो पावर बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, रूट अंडर एक्स को मैं बता रहा हूँ कि हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स का पावर 1/2। अब पावर का तोड़ते हैं किस वे में, पावर को बाहर लिए, एक्स का पावर 1/2 -1। और ये हमेशा याद रखिए, इसका होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर जो है 1/2 रूट अंडर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये इतना मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको याद रखना है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स इंटू 2, एक्स का 2 हो जाएगा सिर्फ और 1 का 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करते तो ये क्या हो जाना है, रूट अंडर एक्स इंटू 2x-1 2x+1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सपोज कीजिए 2 हम लोगों ने लगा दिया, इंटू एक्स का पावर -1/2 ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2 रूट अंडर एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, या एक स्टेप और बढ़ा दो, रूट अंडर एक्स 2x-1 2x+1 प्लस, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 रूट अंडर एक्स, यहाँ पे नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स 1/2 का रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2 रूट अंडर एक्स। तो ये हमारा आ गया फाइनल। तो एक क्वेश्चन बचा है, वो आप लोग खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, टाइम का इश्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चे कंप्लेन भी करते हैं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, टाइम मेरा जा रहा है, आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप लोग कहते हो 10 मिनट में हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने घर से, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे प्रॉब्लम आए तुरंत बताया कीजिए, एंड आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल का, कोई भी सजेशन हो आप प्लीज दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।